गृह मंत्री अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बयान दर्ज कराए। जज से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल किया जा रहा है और इसलिए कई आरोप लगाए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के अंदर पहुंचते ही उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने कोर्ट रूम के गेट बंद कर दिए। 16 मिनट तक राहुल गांधी कोर्ट रूम में रहे। इधर राहुल गांधी के कोर्ट पहुंचने से सुल्तानपुर के वकील नाराज हो गए और उन्हें कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बार एसोसिएशन का कहना था कि राहुल की वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, वकील कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। राहुल पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने कहा, संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट आए। यहां पर राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12 अगस्त की है। जज के सामने राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से मैं इनकार करता हूं। मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं वो मेरी पार्टी और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहां बयान दर्ज करने अभियुक्त नहीं था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा है कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दरअसल अमित शाह मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। राहुल गांधी का बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 12 अगस्त दी है और इस मामले पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर से राहुल जी आज आ रहे हैं और पुराना सरकार ने जो आज पूरी तरीके से मुकदमा कर रखा है उसमें वो आ रहे हैं पेशी पे और अपने न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के फिर वहां से जो न्यायिक जो प्रक्रिया उसको पूरा करते हुए फिर दिल्ली के प्रस्थान करें। इसी कल कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि इस तरह के फर्जी मुकदमों में जानबूझ के फंसाया गया है। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर 30-31 मुकदमे लगा रखा है इनके ऊपर और पूरी तरीके से प्रताड़ित करने की कार्रवाई है और कांग्रेस पार्टी डटकर लड़ रही है और डटकर लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।